पीएम मोदी ने चित्तौड़गढ़ में जनसभा को संबोधित किया। सीपी जोशी के समर्थन में सभा को किया गया संबोधित। नया भारत जुटाने के लिए लोग आ रहे हैं आगे। इस बार अभूतपूर्व लहर दिख रही है। कांग्रेस देश को कर रही है कमजोर। राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा सकता हूं, लेकिन देश को किसी भी मौके पर किसी भी तरह से झुकने नहीं दूंगा। ये बात पीएम मोदी ने कही है। साफ कहा है कि कांग्रेस देश को कमजोर कर रही है। राजनीतिक भविष्य दांव पर मैं लगा सकता हूं, लेकिन अपने देश को किसी भी हालत में झुकने नहीं दूंगा। ये बात पीएम मोदी ने कही है। नया भारत जुटने के लिए लोग लगातार आगे आ रहे हैं। भारत को नया करने के लिए लगातार लोग पीएम मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ में पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस देश को कमजोर कर रही है, और उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि मैं अपने राजनीतिक करियर को खराब कर सकता हूं, लेकिन अपने देश को किसी के आगे झुकने नहीं दे सकता हूं। मैं देश का चौकीदार हूं और लगातार अपने देश के लिए काम करूंगा। कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा किया, पर किसानों की कर्ज माफी नहीं की। ये बात चित्तौड़गढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोल रहे थे। नया भारत जुटाने के लिए लोग बिल्कुल नए तरीके से अपना प्रयास कर रहे हैं और लगातार आगे आ रहे हैं। आपका एक एक वोट दिल्ली में मजबूत सरकार बनाएगा। राजस्थान ने 2014 में पूरी मजबूती से इस चौकीदार को दिल्ली में बिठाया था। इस बार पुराने सभी रिकॉर्ड टूटने चाहिए। सबकी सब सीट तो आएगी, लेकिन मार्जिन बढ़ना चाहिए।